हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शरीर से यूरिक एसिड कम करने के आसान उपाय। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में। शरीर में हड्डियों के दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो है यूरिक एसिड। हमारे शरीर में गठिया जैसी समस्याएं भी इसी के कारण हो सकती है और हमें शरीर में प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है या खून के माध्यम से किडनी तक पहुंच जाता है। प्यूरिन के टूटने से खून में यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ये शरीर में रुककर हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। यूरिक एसिड का जो मात्रा है उसे नियंत्रित करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और नेचुरल तरीके से इसे कैसे नियमित कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिसे इस्तेमाल करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर में यूरिक एसिड का असर कम करने के लिए नियमित रूप से आपको विटामिन सी का भरपूर खुराक लेना चाहिए। इसके लिए आपको नींबू और संतरे का सेवन भरपूर करना चाहिए। इससे आपका यूरिक एसिड का असर 1 से 2 महीने के अंदर बिल्कुल घट जाएगा। अगर आप बेकरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन चीजों से बचना होगा। संतृप्त और ट्रांस फैट से भरपूर खाना यूरिक एसिड का स्तर बढ़ाने के लिए मददगार होता है, इसलिए ये कमी नहीं करता है और आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बेकरी उत्पाद को जैसे कि पेस्ट्रीज और कुकीज, इनसे आपको बचना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अगर फाइबर युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइबर युक्त भोजन करने की आवश्यकता है। यदि आप अपने भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपके शरीर से यूरिक एसिड का स्तर भी सही बना रहेगा और इसकी आपूर्ति इसबगोल, हरी गोभी, पालक और ओट्स से भी हो जाती है। अजवाइन में दर्द दूर करने वाले एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ये पेशाब से संबंधित विकारों को दूर करती है। इसके अलावा आप चेरी खाना भी शुरू कर दें। चेरी में मौजूद केमिकल तत्व शरीर से यूरिक एसिड को गंदगी के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे यूरिक एसिड का जो स्तर होता है वो कंट्रोल रहता है। इसके साथ ही अगर आप सेब के सिरके का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसका भी सेवन शुरू कर दीजिए। सेब के सिरके का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड का असर कम हो जाता है और शरीर के खून के पीएच को बदल देता है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायता करता है। गर्म पानी के साथ नींबू का रस पीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुबह खाली पेट गर्म पानी में नींबू का रस लेना चाहिए। नींबू में पाया जाने वाला साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को खत्म कर देता है और इसके साथ ही जो आपका यूरिक एसिड का लेवल होता है वो बरकरार रहता है और बेहतरीन रहता है। जैतून के तेल में खाना पकाएं। जैतून के तेल में बना आहार शरीर के लिए बेहद ही लाभदायक होता है क्योंकि इसमें विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देता है। अगर फाइबर युक्त पदार्थ आप नहीं खाते हैं तो इसे खाना शुरू कर दें। यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा सही मायने में गड़बड़ लाइफस्टाइल के कारण ही होती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने आहार की आदतों को ठीक करें, साथ ही साथ खाने में फाइबर युक्त पदार्थ का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।